नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशाल मौर्या। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को माता बनदेवी के दर्शन कराने के लिए लाया हूं। मित्रों, माता बनदेवी का यह जो मंदिर है बीहटा में स्थित है। बीहटा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। प्राचीन समय में यह मंदिर जो है चारों तरफ जंगल के बीच में था, इस कारण से इस माता के मंदिर का नाम बनदेवी मंदिर पड़ा। और यहाँ पूरे बिहार से और देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से दुआ मांगते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस माता के मंदिर का दर्शन करते हैं। तो देखिए, मंदिर परिसर में कितने सारे दुकान लगे हुए हैं, रंग बिरंगे बच्चों के खिलौने और साजो श्रृंगार के सामान चारों ओर बिक रहे हैं। पूर्णमासी के अलावे रविवार और मंगलवार को भक्तों की भीड़ ज्यादा रहती है और नवरात्र के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त जो है माता के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर माता को चढ़ाने के लिए रंग बिरंगी चुंदरियों के दुकान लगे हुए हैं और प्रसाद के रूप में लड्डू, पेड़े और मकुंदाना के साथ में नारियल भी भक्त खरीद रहे हैं। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में राघोपुर गांव निवासी पंडित विद्यानंद मिश्र माता के परम भक्त थे। वो हर साल नवरात्रि के समय बीहटा से पैदल अष्टभुजी में माता के दर्शन के लिए जाते थे और वहाँ पे पूजा पाठ करके माता को प्रसन्न करते थे। इसी क्रम में उनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं पर माता को प्रसन्न करने के बाद जब पंडित जी वापस आने लगे तो पंडित जी के पीछे पीछे माता का जो दुपट्टा था वह वायु मार्ग से आ करके और इस स्थान पर गिरा। इसके बाद वहाँ पे माता का जो है पिंड को स्थापित किया गया और वहाँ पे गांव के स्थानीय लोगों ने पूजा पाठ शुरू किया। और यह जगह जो है वन से घिरे होने के कारण वन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूजा पाठ के बाद भूखे श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। चाट, समोसे और रंग बिरंगे मिठाइयों के साथ यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी का लुत्फ भी भक्त उठाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।